मेरी बात सुन तू, मेरी बात सुन। अरे यार अब तेरा फैसला हो रहा है ना। अररिया जिले के ब्रांड बाबू कई वर्षों से ब्रांड के नाम से ग्राहकों के साथ करता था विश्वासघात। जी हां, अररिया जिले के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी राजू स्टोर के नाम से कई बड़ी बड़ी दुकानें हैं एवं हमेशा बड़े लोग पैसे वाले शौक से इसी दुकानों में अपने लिए कपड़ा लिया करते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि असली क्या है और नकली क्या है, क्योंकि ग्राहक दुकानदार पर विश्वास करके आते हैं और जब किसी दुकान का नाम ज़्यादा चर्चित होता है तो लोग वहाँ से ही सामान लेना पसंद करते हैं। परंतु इन व्यापारी को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि इसने कोई गुनाह किया हो। ऐसे ना जाने कितने गरीब लोग हुए जो एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस दुकान से सामान खरीदते होंगे। हमारे बच्चे भी औरों के बच्चों की तरह कपड़ा पहने, लेकिन ये व्यापारी बेदर्दी से लोगों की जेब खाली करवा कर घर बेच देते हैं, वो भी गलत सामान देकर। गौर करने वाली बात है कि इस वीडियो में एक व्यक्ति ये भी कहता है कि हम स्पार्की के डुप्लीकेट ब्रांड सिर्फ देहात यानी गांव के लोगों को ही देते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ होता है कि गांव के लोग कम पढ़े लिखे और इनोसेंट होते हैं, इसी बात का ये गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। ऐसे व्यापारी को क्या सजा मिलनी चाहिए आने वाले समय में पता चलेगा। बीटी न्यूज बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यजदान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजकुमार जैन। और आज के बाद स्पार्की बेचोगे? मैं नहीं, स्पार्की नहीं बेचूंगा। स्पार्की भी नहीं बेचोगे जो पड़ा था? मैं छोड़ रहा हूँ ना तुम्हें, एक मिनट मेरी बात सुन। तुम ओरिजिनल बेचूंगा? मेरी बात सुन। अरे यार अब तेरा फैसला हो रहा है ना, तेरा मतलब है कि तू स्पार्की बिल्कुल नहीं बेचेगा? नहीं बेचेंगे ना, असली बेचेगा। ओरिजिनल तो बेचेंगे, असली बेचेगा, ओरिजिनल बेचेंगे। हाँ ओरिजिनल बेचेगा ना, बस ठीक है, इतना बहुत है तेरे लिए। पर ये दिखाना जरा सर, एक मिनट सीधा करके, ये स्पार्की जो नकली मिला है ना, तो इस पे तो मैं केस अलग से डाल देता हूँ। चलो आ जाओ जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? वो सर थोड़ा सा वो कम दाम के देहात में मांगते हैं। हाँ जी बबलू जी, आप बबलू जैन है ना? जी हाँ। तो ये क्या कहेंगे इस बारे में, जो नकली माल आपके यहाँ मैंने फोटो लिया? मैं तो ओरिजिनल माल बेचता हूँ और बेचूंगा भी। तो स्पार्की का आगे से क्या करेंगे? स्पार्की में गोडाउन में जो भी स्पार्की या कर लूँ स्पार्की, मैं वो भी नहीं बेचूंगा। नहीं बेचोगे? पक्का ना? पक्का, लिख के देंगे आप हमें।